हमें रोजाना YouTube और ईमेल्स पर बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इंटर्नशाला पर जॉब्स और इंटर्नशिप्स कैसे सर्च करते हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाई जाए ताकि आप इंटर्नशाला पर सही तरीके से अप्लाई कर सकें और अपनी ड्रीम इंटर्नशिप्स और जॉब्स पा सकें। अगर आपको पहले से पता है कि इंटर्नशाला पर कैसे अप्लाई करें तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम यूजफुल टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आपकी इंटर्नशिप सर्च आसान हो जाएगी और आप अपना इंटर्नशिप स्टेटस अप्लाइड से हायर्ड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे इंटर्नशाला पर एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बनाएं, जॉब इंटर्नशिप पर अप्लाई कैसे करें, कुछ ही समय में जॉब पाने के टिप्स और ट्रिक्स। ये इंटर्नशाला वेबसाइट है, यहाँ पर एड्रेस बार है, internshala.com टाइप करके हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस पर आप हजारों इंटर्नशिप्स और जॉब पर फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हो जो प्लेसमेंट गारंटी के साथ आते हैं। और ये सब इंटर्नशाला पर रजिस्टर करने से स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना होगा। हमारे पास गूगल साइन अप भी है, आप बस जीमेल आईडी को एंटर करके भी रजिस्टर कर सकते हैं इस तरह से। फिर ये आपको अपने प्रोफाइल पूरा करने के लिए कहेगा। इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप और नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसे पूरा करना इम्पॉर्टेंट है। अब इस प्रोफाइल को फिल करें। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर। ध्यान रखिए कि आपको अपना करेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर इनपुट करना है ताकि एचआर इजिली एंड डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। लोकेशन और बाकी इन्फॉर्मेशन भी फिल करें एंड देन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ आप अपने इंटरेस्ट मेंशन करें। ये वो फील्ड है जहाँ आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग है, मैं उसे चूज करूंगा। आप एक से अधिक इंटरेस्ट मेंशन कर सकते हैं, देन क्लिक नेक्स्ट। इंटर्नशाला पर आप नौकरी और इंटर्नशिप दोनों ढूंढ सकते हैं, बोथ इन ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम। सो अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। डोंट वरी, अगर आपको अपनी प्रेफरेंस को लेकर श्योरिटी नहीं है तो आप उन्हें बाद में भी डैशबोर्ड से एडिट कर सकते हैं। कैसे, इसे बाद में मैं वीडियो में कवर करूंगा। तो अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। देखिए, मुझे मेरी प्रेफरेंस से मैच करते हुए 9,771 इंटर्नशिप्स मिली है। आप और भी फिल्टर्स लगा सकते हैं टू नैरो डाउन योर सर्च। बॉक्स को अनचेक करें और अपनी प्रेफरेंस एंटर करें। कैटेगरी वीडियो मेकिंग एडिटिंग, और आप भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं है अपने इंटरेस्ट को लेके और किस फील्ड में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखें। ये वीडियो एक गाइड है ऑन हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोकेशन एंटर करें। अगर आप घर से काम करना चाहते हैं तो बॉक्स को चेक करें और अपना प्रेफरेंस स्टाइपेंड डालें। और आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे आप इंटर्नशिप कब शुरू करना चाहते हैं, इंटर्नशिप कब तक कर सकते हैं, और क्या आप पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर की तलाश में हैं। मैं बॉक्स को चेक करूंगा क्योंकि मैं इंटर्नशिप के साथ साथ जॉब भी ढूंढ रहा हूं। बार बार इंटरव्यू देने का टेंशन ही नहीं। देखिए, ये इंटर्नशिप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अवेलेबल है। ये कंपनी द्वारा पोस्ट की गई इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट को शो करता है, जैसे प्रोफाइल, मैटलैब, मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग डिजाइन, कंपनी का नाम, लोकेशन, उसका लोगो, स्टार्ट डेट, इमीडिएटली, ड्यूरेशन एंड स्टाइपेंड। इसमें यह भी पता चलता है कि इंटर्नशिप कब पोस्ट की गई थी, लाइक फ्यू आवर्स अगो। इंटर्नशाला पर इंटर्नशिप पाना काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। 50 में से सिर्फ एक एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है, इसलिए आखिरी मिनट का इंतजार ना करें क्योंकि जो स्टूडेंट जल्दी अप्लाई करते हैं उन्हें जॉब पाने का चांसेस 10 टाइम्स ज्यादा होता है। इंटर्नशिप और कंपनी के बारे में ज्यादा जानने के लिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें। आप यहां कंपनी के बारे में और इंटर्नशिप के बारे में पढ़ेंगे। इसे ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये इंटर्नशिप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है या नहीं और आपके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं या नहीं। अगर आपको पता है कि ऐसी इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए आपको स्किल्स डेवलप करने की नीड है तो आप इंटर्नशाला से ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। यहाँ इंटर्नशाला ही आपको कुछ ट्रेनिंग सजेस्ट कर रहा है, तो आपको जो सुटेबल लगे उस पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। आप यहाँ इंटर्नशाला ट्रेनिंग पर क्लिक कर सकते हैं और रेलेवेंट ट्रेनिंग को चूज कर सकते हैं। इंटर्नशाला इन कोर्सेज में प्लेसमेंट गारंटी भी देता है। इसका मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रेलेवेंट इंटर्नशिप या जॉब मिलेगी। पेज पर वापस आते हैं, चेक करें कौन सी रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस इंटर्नशिप के साथ साथ क्या पर्क्स मिल रहे हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। फिर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। इंटर्नशाला आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स, जॉब और इंटर्नशिप और रेलेवेंट ट्रेनिंग और कोर्सेज अगर कभी किए हैं तो फिल करने को कहेगा। अगर आप अनश्योर हैं कि क्या मेंशन करना है और क्या नहीं, ये सैंपल रिज्यूमे पे वीडियो है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको कवर लेटर दिखाई देगा। आप देखेंगे व्हाई यू शुड बी हायर्ड फॉर दिस इंटर्नशिप। इंटर्नशाला पर किसी भी इंटर्नशिप पर अप्लाई करते टाइम इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत जरूरी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ उनका रिज्यूमे ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, वो भी है, लेकिन इस क्वेश्चन का अच्छे से रिप्लाई लिखना और भी जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन का आपका आंसर वो पहली चीज है जिसे कंपनी इंटर्नशाला पर आपके इंटर्नशिप एप्लीकेशन में देखती है।
और इस बेसिस पर कंपनी डिसाइड करती है कि आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए या नहीं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले इस सवाल का जवाब देने के टिप्स जरूर पढ़ें। मेक श्योर आपके आंसर में आपकी रेलेवेंट स्किल्स, पास्ट एक्सपीरियंस और कंपनी के साथ काम करने का जज्बा दिखाई देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में है। फिर आप बॉक्स को चेक कर सकते हैं और इंटर्नशिप के लिए अवेलेबिलिटी कंफर्म कर सकते हैं। फिर सबमिट पर क्लिक करें। एक बार जब आप इसे सबमिट कर देंगे तो यह आपको आपका एप्लीकेशन दिखाएगा। साथ ही ये ऐसे ही सिमिलर इंटर्नशिप भी दिखाएगा जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स केवल एक दो इंटर्नशिप पर ही अप्लाई करते हैं, कम से कम एक इंटर्नशिप में सेलेक्ट होने की उम्मीद में, और जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और अप्लाई करना बंद कर देते हैं। मेन बात यह है कि कम से कम 15 इंटर्नशिप्स और जॉब्स में अप्लाई करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कम से कम 15 इंटर्नशिप्स या जॉब्स में अप्लाई करते हैं उनके जॉब पाने के चांसेस 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर आप तुरंत इन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर में इसमें अप्लाई करने के लिए बुकमार्क ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उस पर क्लिक करें और बुकमार्क अपने आप ऐड हो जाएगा। इसमें चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये चैट सिर्फ कंपनी ही स्टार्ट कर सकती है। अगर कंपनी आपके असाइनमेंट या एप्लीकेशन के रिलेशन में आपसे कनेक्ट होना चाहती है तो आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होगा। ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ आप अपनी इंटर्नशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपना बायोडाटा और प्रेफरेंस भी एडिट कर सकते हैं। हम एडवाइस करेंगे कि आप सेफ्टी टिप्स भी एक बार चेक कर लें। इन माय एप्लीकेशन आपने जिस इंटर्नशिप पे अप्लाई किया है उसका स्टेटस आप देख सकते हैं। प्रेजेंटली मेरा इंटर्नशिप स्टेटस अप्लाइड दिख रहा है। इसे हायर्ड में चेंज करने के लिए कम से कम 15 इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए अप्लाई करें। व्हाई यू शुड बी हायर्ड फॉर दिस इंटर्नशिप का रिप्लाई करें और अपने स्किल्स पे काम करें। और जब आपका स्टेटस अप्लाइड से हायर्ड हो जाएगा तो कांग्रेचुलेशंस। और हाँ, इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना न भूलें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे इंटर्नशाला यूट्यूब चैनल की लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें। हम काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं जिससे आपको करियर बिल्ड करने में काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बिलो। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप एंड जॉब सर्च।